जो है वो कार्बोनिफेरस पीरियड में थे और ये बहुत बड़े ट्री के रूप में थे, कोई श्रब लाइक नहीं थे, ये छोटे पेड़ के रूप में नहीं थे, बहुत बड़े ट्री के रूप में थे। तो एक तो खास बात ये कि ये डेवोनियन पीरियड में थे, वर्तमान में ये कैसे हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, ये है ना, विलुप्त हो चुके हैं। इनकी वूल जो है वो कैसी हुआ करती थी, इक्नोजाइलिक यानी कॉम्पैक्ट हुआ करती थी, इक्नोजाइलिक। और इसकी एक खास बात वो ये थी कि इनका स्ट्रोगलस जो है वो यूनिसेक्सुअल था, मतलब एक लिंगी हुआ करता था, कि या तो स्ट्रोगलस, या तो आप उसको मेल स्ट्रोबिलस को या फीमेल स्ट्रोबिलस को, लेकिन एक लिंगी इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसके और बात थी, इसमें जो स्पर्म थे वो मोटाइल थे, यानी इसका जो मेल गैमेट था वो कैसा था, मोटाइल हुआ करता था, है ना। तो ये इसकी एक खास विशेषता थी। तो अभी हमारे सिलेबस में जो है वो लिविंग मेंबर है, ये एक एक्सटिंक्ट है, इसका कोई मेंबर हमें पढ़ना नहीं है, तो इस पर हम ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये लार्ज ट्रीज हुआ करते थे डेवोनियन पीरियड में, अभी विलुप्त हैं, और इनमें जो वुड है, कास्ट है, वो सघनदारक हुआ करती थी। इनमें स्ट्रोबिलस जो है वो एक लिंगी थे, और इनमें जो मेल गैमेट है वो चल या मोटाइल हुआ करते थे। ये इनके पिक्यूलियर या खास लक्षण है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कॉनिफरेस, और इसका हमें एक मेंबर पढ़ना है, वो है पाइनस। तो इसकी एक खास बात, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म, सबसे ज्यादा यही है जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं शंकुधरी वन। और इसका एक फेमस मेंबर है जिसको हमें पढ़ना है, पाइनस। पाइनस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कैसे होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं, शंकुधारी होते हैं, ऊंचाई पर और पहाड़ी इलाकों पर ये पाए जाते हैं। इनमें जो ब्रांचेस होती है, ध्यान देना, वो दो प्रकार की होती है, देखिए इसको कहते हैं लॉन्ग शूट, और इस लॉन्ग शूट पर आप देख रहे हो एक और शूट बन रहा है, इसको कहते हैं ड्वार्फ शूट, है ना। ये लंबा प्ररोह है और ये वामन छोटा प्ररोह है। तो दो प्रकार की शाखाएं होती है, डायमॉर्फिक ब्रांचेस होती है, एक तो लॉन्ग और उस पर शॉर्ट ये डेवलप होती है, और उससे ये नीडल डेवलप होती है, इसकी लीफ जो है वो नीडल के समान होती है, जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये डाइमॉर्फिक जो है इसकी ब्रांचेस होती है, ठीक है। इसकी खास विशेषता, इसकी लीफ जो है वो सुई की तरह होती है, और इसमें मरुद्भिद लक्षण पाए जाते हैं। अगर इनके वुड की बात करें तो वुड इनमें इक्नोजाइलिक प्रकार की होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ज्यादा विकसित होती है। एक और इनकी खास विशेषता के, चाहे उनकी जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो, उनमें रेजिन कैनाल पाई जाती है, रेजिन नलिका पाई जाती है। तो इनकी खास विशेषता, ये सीक्रेट करते हैं रेजिन, और हमने पढ़ा था एक फॉसिल ऐसा जो रेजिन में ही बनता है, दैट इज एम्बर, हमने पढ़ा था। तो कॉनिफ्रेंस मेंबर की खास विशेषता कि इनमें लीव्स है, स्टेम्स है, उसमें रेजिन कैनाल पाई जाती है। और खास विशेषता, इनका मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट एक्चुअली ये विंड होता है, विंड पोलिनेशन होता है, और इसमें कोई सिलिया या फ्लैजेला जैसा ऐसा कुछ है नहीं कि जो इसको मोटाइल बना सके। तो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। और मेल नॉन मोटाइल, और इसकी खास बात कि इसमें
साइफनोगेमिक फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये क्या है, नाल युग्मनी निषेचन, मतलब इसमें पराग नलिका से नर युग्मक पहुंचते हैं अंडकोशिका तक, इस प्रकार का निषेचन कहलाता है नाल युग्मनी, जो पराग नलिका द्वारा होता है। इससे पहले हमने लोअर प्लांट्स में पढ़ा था कि आर्किगोनियम की सतह पर मेल गेमिट आ जाता है, फिर वो केमिकली अट्रैक्ट होता है, तो इस तरह से नहीं है यहाँ पर, या लिक्विड के द्वारा अट्रैक्ट होता है फर्टिलाइजेशन, जैसे टेरिडोफाइट्स में निषेचन के लिए जल चाहिए, यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन या जिसको हम नर युग्मक तो बाद में आएगा, नर युग्मकोद्भिद कहे, वो जैसे ही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उस पर पहुंचता है तो वहां पर वो जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाता है, पराग नलिका बनाता है, उसके द्वारा निषेचन होता है। पोलन ट्यूब से याद आया कि साइकस में, या इससे पहले जो साइकेडेलिज हमने पढ़ा था, उसमें पराग नलिका की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो हॉस्टोरियल होती है, चूषक प्रवृत्ति होती है, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। हॉस्टोरियल पोलन ट्यूब फाउंड इन साइकस, ठीक है। तो ये कॉनिफरल्स के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दूसरों में नहीं है। एक तो निकेलिज और गिंको एलिज, ये परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, चलिए, इसका एक ही मेंबर है लिविंग, दैट इज गिंको, और ये जो है इसका, क्योंकि एक ही मेंबर है इसलिए इसको कहते हैं मोनोटिपिक जीनस, यानी यदि किसी क्लास में वर्ग में कोई एक ही जीवित सदस्य हो तो हम उसको मोनोटोपिक कहते हैं। ये लंबे टी लंबे वृक्ष होते हैं, टॉल ट्री होते हैं, इनकी वुड पिक्नोजाइलिक प्रकार की होती है, ठीक है। और इनकी खास विशेषताएं जो कुछ और हम बात करेंगे कि इनमें जो है कैटकिन लाइक मेल ऑर्गेन पाया जाता है, ब्रांच्ड कैटकिन लाइक, हमने पढ़ा था कैटकिन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और ये जो उसका मेन एक्सिस है वो लटका हुआ रहता है, पेंडुलस कंडीशन होती है। कैटकिन इन्फ्लोरिसेंस आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म में, ऐसे पेंडुलस इन्फ्लोरिसेंस होते हैं, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो उस इसमें कैटकिन लाइक जो है वो इसका मेल ऑर्गेन होता है, ठीक है। और इसका स्पर्म मोटाइल होता है और मल्टीफ्लेजिलेट होता है, मोटाइल स्पर्म, और वो भी कैसा है, मल्टीफ्लेजिलेट, यानी स्पर्म में फ्लेजेला जो है वो एक से अधिक है, तो मोटाइल स्पर्म होते हैं और मल्टीफ्लेजिलेट होते हैं, ठीक है। और इसकी एक और खास बात कि इसके सीड में तीन लेयर होती हैं, इसके सीड में तीन लेयर होती है। इसकी एक और खास विशेषता है, इसका जो ओव्यूल होता है, जांड होता है, उसके बेस पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कॉलर कहते हैं, तो कॉलर का पाया जाना इनकी एक खास विशेषता है ना। और इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो बनता है, उसके शीर्ष पर भी यहां पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं टेंट पोल का पाया जाना, कॉलर का पाया जाना, ये इस कुल की प्रमुख विशेषता है गिंको एलिस की, ठीक है। अच्छा, इनके एक और खास बात, इनमें एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है एंडोस्पर्मिक बीक, यानी अगर इसके ओव्यूल की ही बात करें तो इससे जुड़ी हुई तीन संरचना है, मादा जननांग से जुड़ी हुई तीन संरचना है, एक तो होता है कॉलर, एक इसके एंडोस्पर्म का उभरा हुआ भाग होता है जिसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक बीक जोंच, और एक टेंट पोल, ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ये तीन स्ट्रक्चर इसके महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है।
और इसकी जो पराग नलिका है वो भी हॉस्टोइल नेचर की होती है, चूषिकांग की भांति कार्य करती है, ठीक है। और इसका एक और खास विशेषता कि इसके भ्रूण में निलंबक नहीं बनता। हम जानते हैं ये भ्रूण होता है, जो भ्रूण में एक लंबी संरचना बनती है जो इसको भ्रूण कोष की ओर धकेलती है, जिसको निलंबक कहते हैं, वो निलंबक इसमें नहीं होता। चलिए, सो ये हो गया गिंकोइल्स। अब हम लास्ट लेते हैं निटेलिस, जिसका हमें एक मेंबर पढ़ना है, दैट इज नीटम, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसकी भी कुछ खास विशेषताएं हैं। देखिए, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उसमें बीज एक अद्यावरणी होता है, उसके चारों ओर एक ही अद्यावरण होता है, लेकिन निटेलिस में दो अद्यावरण होते हैं, मतलब ये बाइटेटिक होता है। तो ये इसकी एक खास विशेषता है, बाइटेटिक। निटेलिस की कुछ अपवाद भी हमने देखे थे जब हमने इसके कैरेक्टर पढ़े थे, कि वेसल्स नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, और क्या नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होती, लेकिन ये एक अपवाद है। इसमें वेसल्स पाई जाती है ना, वेसल्स पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो है नर शंकु और मादा शंकु संयुक्त होते हैं, और इस तरह से लगते हैं पूरा के पुष्प क्रम जैसा हो ना, इन्फ्लोरिसेंस, फ्लावर जैसा इन्फ्लोरिसेंस इसमें दिखता है। नर और मादा शंकु जो है वो एक इन्फ्लोरेसेंस जैसे दिखते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि कंपाउंड मेल एंड फीमेल कौन रिजेंबल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, मतलब ये पुष्प क्रम जैसे दिखते हैं, जैसे कोई एंजियोस्पर्म का फ्लावर इसमें लगा हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और खास विशेषता, स्त्रीधानी जिम्नोस्पर्म बनती है, लेकिन इसमें स्त्रीजानी जैसी कोई संरचना नहीं बनती है। अगली बात कि इसमें जब भ्रूण बनता है तब उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्र की विभाजन, जिसमें केवल केंद्रक बनते हैं, कोशिका भित्ति नहीं बनती है, इसको कहते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाकी जिम्नोस्पर्म में होता है, लेकिन इसमें जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो पुनः रिपीट करता हूं, इसके कुछ खास करेक्टर हैं। सब में एक अध्यावरणी बीज, इसमें द्वि अध्यावरणी। सब में वेसल्स नहीं होती, इनमें वेसल्स पाई जाती है। सब में स्त्रीधानिया होती, इसमें नहीं होती है। भ्रूण निर्माण के दौरान इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्र की विभाजन नहीं होता है। और दो खास बात कि इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट है, अब ये खास है, वो टेट्रास्पोरिक होता है। अब ये एंजियोस्पर्म जैसा लक्षण हो गया, टेट्रास्पोरिक, ये आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे, चतुर्बीजाणुक एम्ब्रियोसेक। भ्रूण कोष के कई प्रकार होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। तो इसका टेट्रास्पोरिक फीमेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक खास बात कि जैसे एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी देखें शूट अपेक्स को, तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत काम करता है, तो इसका शूट अपेक्स भी लाइक ट्यूनिका कार्पस जैसा होता है। तो आप इसमें ऐसे करेक्टर दे सकते हो जो एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, मतलब ये एक एडवांस जेनरा है। और जैसे हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बने, तो जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म कैसे बने होंगे, तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन कंडीशंस हमको दिखाई देती है। तो आप ये सब वीडियो को आप बैकवर्ड भी कर सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो, एक एक लक्षण आप नोट कर लेना कि नीटम में या निटेलिज में ऐसी क्या चीजें हैं जो दूसरे जीनस में नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब हम एक एक करके इनको इनके मेंबर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे सिलेबस में मेनली है साइकस, पाइनस और शायद इफेड्रा भी है, उसको भी हम देख लेंगे।